नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय। जो हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर है, तो इस हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय। और इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में आज की इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं वे वीडियो व्याख्यान है प्रकरण है वह है हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। तो साथियों, हमने इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमने मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा था, दो पक्षों में बांटा था। एक होता है अध्ययन पक्ष और दूसरा होता है इसका बाह्य पक्ष। अध्ययन पक्ष में वो आता है जिसमें अध्ययन करने वाली जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जैसे भाव शैली वगैरह जो बातें हैं वो आती है। वो बाह्य पक्ष में उसका जो आकर्षक पेज है, उसका जो कवर है, उसका जो साज सज्जा है, उसका चित्रांकन है, उसका पृष्ठ सज्जा है, इस सब ये सारी बातें उसमें आती हैं, बाह्य पक्ष में आती है। लेकिन हम इस बिंदु पर विचार करते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन पक्ष में। तो इससे पहले हमने भाव और उसके बाद शैली को पढ़ा। तीसरे नंबर का जो बिंदु है यहाँ पर विशेषज्ञ, तो ये भी अध्ययन पक्ष का ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका अपना महत्व पाठ्य पुस्तक को लेकर क्यों है, तो उसके बारे में हम इसका अध्ययन इस वीडियो व्याख्यान में करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहली बात है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि विशेष सामग्री का जो विशेष सामग्री है ये किसी भी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक पक्ष है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से हम एक पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की विशेष सामग्री का चयन हम करें। क्योंकि विशेष सामग्री ही ये तय करती है कि पाठ्य पुस्तक बालकों के अधिगम में अपना किस प्रकार का जो भूमिका है उसका निर्वाह करने वाली है और ये बालकों की सीखने सिखाने में कितनी लाभकारी हो सकती है। तो ये बातें सब उसकी पाठ्य सामग्री पर निर्भर करती है। तो पाठ्य सामग्री का सर्वग्राह्य होना, सरल और सुबोध होना अति आवश्यक है। तो उसमें हम कौन कौन सी बातों का समावेश करें ताकि पाठ्य पुस्तक एक अधिक उपयोगी बालोपयोगी हो सके, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि विशेष सामग्री के चयन में विभिन्न पहलुओं पर विशेष सामग्री का चयन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर गंभीरता से चयन करना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के पहलू जो बालक से जुड़े हुए होने चाहिए, उसके वातावरण से जुड़े हुए होने चाहिए, तो उन सभी पहलुओं पर विचार करें। उसका अध्ययन पक्ष, उसका शैक्षिक पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, उसका शारीरिक पक्ष, उसका मानसिक पक्ष, उसका कैसे सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हमें उन पहलुओं को ध्यान रखते हुए उसमें विशेष सामग्री का चयन करना है। तो ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि वो विभिन्न पक्ष कौन कौन सकते हैं, विभिन्न पहलु कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे विशेष सामग्री, तो पहला है विशेष सामग्री का चयन। विशेष सामग्री का चयन हमें किस आधार पर करना है, किस तरह से करना है, उस विशेष सामग्री हमारे लिए किस बालकों के लिए हमें मतलब अपने वातावरण में उनको ज्ञान किस प्रकार करवा सकती है। तो विशेष सामग्री का चयन हमें बिल्कुल सोच समझ के बालकों के वातावरण को बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए करना है। और उसके बाद पक्ष जो आता है यहाँ पर वह पक्ष आता है विशेष सामग्री का स्थिरीकरण। ये विशेष सामग्री जो हम चयन तो कर रहे हैं लेकिन उस विशेष सामग्री में उस किस स्तर के, किस आयु वर्ग के, किस स्तर के आयु वर्ग के स्तर के बालकों के लिए हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम जिसके प्राथमिक स्तर पर विशेष सामग्री का चयन कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो
तो हमें निश्चित रूप से हमें जैसे छोटे छोटे बाल गीत, कविताएँ, छोटी छोटी लघुकथाएँ, कहानियाँ, इन सभी का समावेश करना होगा। उसमें अधिक से अधिक चित्रों का समावेश करना होगा, उसमें अधिक से अधिक साज सज्जा का ध्यान रखना होगा, उसमें अधिक से अधिक रंगों से बने हुए रंगों से रंगीन चित्रों का उपयोग करना होगा, ताकि वह बालक के इस एक बाल मन मतलब एक लुभाने वाली मतलब लुभाने वाली हो, जिससे वे बालक उसमें रुचि ले रहे और रुचि लेकर वो पढ़े और उस पुस्तक में जो सामग्री चयन की गई है वो उसकी परिवेश से रुचि होनी चाहिए, ताकि वो सामग्री उससे चिर परिचित होगी, तभी वे बालक उसमें रुचि लेगा, अन्यथा वे रुचि उसमें नहीं लेगा। और इसी तरह हम माने चित्रीकरण की बात को माने, यदि हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर लेनी है उसमें हम थोड़ा थोड़ा भाषा पर व्याकरणिक रूप उच्च प्राथमिक स्तर पर काम ले सकते हैं। फिर माध्यमिक में आते हैं तो माध्यमिक में हम जो हिंदी साहित्य के विधुओं के बारे में हम थोड़ा सा उन्हें समझ सकते हैं, जैसे संस्मरण है, यात्रा वर्ण है, इसके बारे में हम या यूँ कहें कि कविता का थोड़ा विस्तारीकरण हम कर सकते हैं, जिससे हम उस कविताओं में लाएँ जिसे हम मान लीजिए माध्यमिक स्तर पर हम वीर रस की कविताएँ या बड़ी जो छंदों का प्रयोग हम कर सकते हैं, खासकर राष्ट्रप्रेम की कविताएँ, वीर रस की कविताएँ, इसकी कविताओं का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम उच्चतर स्तर की बात करें, हम स्नातक स्तर की, तो वहाँ पर हम उपन्यास या मतलब लंबी कहानियाँ या फिर हम ऐसी विधाओं विभिन्न विधाओं पर हम बात कर सकते हैं, खासकर जो बौद्धिक क्षमताओं में सोचने वाली निबंध कला पर बात कर सकते हैं हम, तो उनकी स्तर की सामग्री को हम वहाँ पर कविता लेखन की जानकारी में दे सकते हैं, लेकिन वो उनकी स्तर की इसलिए भाषा में स्थिरीकरण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसके बाद में विशेष सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये भी साथियों पाठ्य पुस्तक के चयन के बाद ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सामने आता है। वो साथियों इसलिए आता है कि मान लीजिए आप विशेष सामग्री का चयन तो कर रहे हैं, लेकिन बालकों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण करने का सामर्थ्य उस अध्यापक के लिए भी सुलभ हो और वो सामग्री ऐसे चयन की जाए जो बालकों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण करने में एक सुगमता होनी चाहिए, एक सुलभता होनी चाहिए कि हम उस पाठ्य सामग्री को बालकों अच्छी तरह हम समझ सकते हैं, उनको अधिगम करवा सकते हैं और वास्तव में बालकों के अपने ज्ञान वृद्धि में वो उपयोगी सिद्ध होगी। तो ऐसी सामग्री का चयन करें ताकि बालकों का प्रस्तुतिकरण कक्षा कार्य कक्षा कक्ष में हम कर सकते हैं। तो ऐसी सामग्री का चयन ना करें जो कक्षा कक्ष में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने ऐतिहासिक नाटकों का उपयोग किया है, तो मान लीजिए ऐतिहासिक प्रशांत जी के ऐतिहासिक नाटकों का हम उपयोग कर लेगा, और उच्चतर स्तर की बात करें तो उच्चतर स्तर में तो हम कक्षाओं में जैसे स्नातक स्तर है तो उन कक्षाओं में तो बालक नाटक का मतलब भी समझते हैं कि नाटक का अर्थ क्या होता है, ऐतिहासिक घटनाओं से भी जानकारी रखते हैं, उनको मतलब सभी विषयों की जानकारी वहाँ पर हो सकती है। लेकिन यदि वही बालक को वो हम माध्यमिक या प्राथमिक स्तर में पढ़ाई दें तो उनके लिए जो ऐतिहासिक घटनाओं को उस वहाँ पर छोटे से क्लासरूम में कैसे दोहराया जाएगा, यदि हम वहाँ पर स्लाइड्स बना सकते हैं या मंदिर कोई भी हम पोस्ट के माध्यम से बड़े बच्चों को समझा सकते हैं और वो जानकारी मित्रों के बारे में इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का ज्ञान रखना बिल्कुल नहीं होता है, तो उन्हें ऐतिहासिक नाटकों के लिए हम वहाँ पर बड़ा वहाँ पर हम युद्ध का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखें कि हमें इस प्रकार की सामग्री लेनी है जो बालकों की स्तर की होनी चाहिए। तो साथियों आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।